राहुल गांधी का यहाँ जलवा है। राहुल गांधी घर घर काम किए हैं। 13 रुपया किलो चीनी वाली झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने गलत बात करके वोट नहीं लिया। ये काफिला जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का है। जब से ये ऐलान हुआ है कि अजय राय यूपी कांग्रेस संभालने वाले हैं, तभी से कांग्रेस को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विधायक अजय राय आज यानी 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आज जैसे ही सुबह उनका काफिला लखनऊ के लिए निकला, जगह जगह उनका स्वागत किया गया। तमाम कांग्रेस के नेता उनका जगह जगह इंतजार करते नजर आए, खासकर अमेठी में। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का मुसाफिर खाना में कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जहाँ एक तरफ राहुल का अमेठी से रिश्ता बताया, तो वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी आए न आए, यहाँ के लोग उनके परिवार से जुड़े हैं। ये कौन सा रिश्ता है गांधी परिवार और अमेठी का? ये जैसे बिना पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, उस तरीके से यहाँ का रिश्ता है। हम सब लोग राहुल गांधी के साथ आई है। आप सबकी डिमांड है, पूछिए यह कमेटी की, जनता की डिमांड है कि नहीं? देखिए ये जनता की कार्यकर्ताओं की डिमांड है। अरे राहुल गांधी का यहाँ जलवा है। राहुल गांधी घर घर काम किए हैं। 13 रुपया किलो चीनी वाली झूठ नहीं बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने गलत बात करके वोट नहीं लिया। अमेठी के लोगों से कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा ईमानदारी और दमदारी की राजनीति की। झूठ की तिलस्म बहुत ही नहीं चलता। अब वो सारा का सारा तिलस्म टूट चुका है। अब उनको झूठ से का सारा और बड़ा झूठ कुछ बोले, बट अमेठी की जनता सच के लोगों के साथ और दमदार ईमानदार और गांधी परिवार से परिवार का रिश्ता। आपको बता दें कि अमेठी के मुसाफिर खाना बाजार में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लखनऊ जाते समय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर खासा उत्साह दिखाया। साफ तौर पर यूपी कांग्रेस में अजय राय के आने के बाद काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।